गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट ओपन कर रखा है तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि मैं आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि वैकेंसीज आई है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो आइए हम इस वैकेंसीज के बारे में देखने वाले हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर के अंदर यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज जो डिपार्टमेंट है इधर से वैकेंसी आई है अगर हम यहां पर देखिए आप देख सकते हो वैकेंसी सर्कुलर में वैकेंसी सर्कुलर फॉर फिलिंग अप पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स एंड टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू वॉक इन इंटरव्यू तो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे आपका होने वाला है इन वैकेंसीज के लिए जिसके बारे में बताने वाली हूँ इसपे अगर आप क्लिक करोगे तब आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पर देखें इनके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आया था आप देख सकते हैं पच्चीस तारीख को ही आया है अगर हम यहाँ पर देखें वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए और टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पर जो ये होगा इनिशियली ये छह मंथ्स के लिए रहने वाला है तो उसके बाद जो भी एक्सटेंडेड होगा वो ये बता देंगे पर इनिशियली अभी जो ये जॉब है वो छह महीने की आपकी रहने वाली है अगर आप यहाँ पर देखने हो तो यहाँ पर जो वेन्यू होगा डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम क्या क्या रहने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो ये ये जो है रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है वॉक इन इंटरव्यू इन इन जगहों पे इतने इतने बजे होने वाला है अगर आप यहाँ पर देखोगे द प्लेस ऑफ वर्क टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा सेल्फी एज पर दिक्कत स्केड्यूल तो जो भी होगा वो सब ये इस एप्लीकेशन में दिया हुआ है अगर हम देखें कैंडिडेट शेल ब्रिंग ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होगा आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे उसी के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड लेकर जानी होगी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एक्सेट्रा ये सब आपको लेकर जाना पड़ेगा एलिजिबल कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द स्केड्यूल्ड वेन्यू ऑन टाइम तो ये जो स्केड्यूल्ड वेन्यू है इस इसपे आप ऑन टाइम पे पहुंच जाना तभी आपका फिर वो इंटरव्यू अच्छे से हो पाएगा अगर हम यहाँ पर आगे चलने की कोशिश करें आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको बताई दिया वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है टोटल पांच पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की और इक्कीस पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पर ये यह मैंने आपको वेन्यूज और टाइमिंग तो ऑलरेडी बता दी है अगर हम यहाँ पर आगे चले तो देखिए जो एसडीओ की जॉब है वो तो बेसिकली है डॉक्टरेल कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पी एच डी कर रखी है उनके लिए यहाँ पर बेसिकली ये जो वैकेंसीज है वो रहने वाली है अगर हम यहाँ पर आगे देखिए आगे अगर हम चल के यहाँ पे देखें तो हम टेक्निकल ऑफिसर की भी वैकेंसी थोड़ी सी देख लेते हैं टेक्निकल जो ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें केमिस्ट्री एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी और वीट साइंस ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं ये सारे डिसिप्लिन में केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपको केमिस्ट्री की डिग्री चाहिए होनी चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसे जो एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं इनके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए एंटोमोलॉजी में नेमेटोलॉजी में या फिर एमएससी इन एग्रीकल्चर भी हो सकता है विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी और एमएससी डिग्री जोलॉजी में भी हो सकता है विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी वही जो प्लांट पैथोलॉजी की वैकेंसी है इसमें भी एम एस ए डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी हो सकती है या फिर एमएसए डिग्री इन एग्रीकल्चर हो सकती है इसमें आपके स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में या फिर एमएसए डिग्री बॉटनी में हो सकती है विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी वीट साइंस के लिए एमएससी हो सकती है एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी में या फिर एमएससी हो सकती है बॉटनी में विद वीट साइंस एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकोग्नाइज वीट साइंस आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए टेन्योर जो होगा वो छः मंथ का इनिशियली जो है वो रहने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पर मंथ क्या सैलरी मिलेगी अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो आपको थर्टी सेवन रुपीज थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज पर मंथ मिलेगा और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर को फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ मिलेगा इसके अलावा आपको कोई एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो सब जो है वो नहीं मिलेगा इसके अलावा जो भी यहाँ पर है कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न ऑफिस वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स तो डिडक्शन वगैरह होंगे एज लिमिट अगर हम देखें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए रहेगी चालीस साल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए फोर्टी फाइव ईयर्स रहेगी और थर्ड जेंडर के लिए भी फोर्टी फाइव ईयर्स होगी टेक्निकल के लिए थर्टी फाइव ईयर्स रहेगी मेल के लिए फोर्टी ईयर्स रहेगी फीमेल्स के लिए एस सी एस टी को यहाँ पर पांच साल का जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो यहाँ पर उनको मिलेगा इसके अलावा आपको कोई टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू पे पहुंचते हो तो ये बात आप देख सकते हो नंबर एज वेल एज प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी पोस्ट किए जाओगे वो सब तो उनके है कि वो आपको कहां पोस्ट करेंगे तो बता तो करें। रखा है और ये सब जो है वो तो बात की बात है कि आपको कौन सी लीव आप ले सकते हो कैसी ले सकते हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने बता रखी है इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर अगर हम आगे चले लेट्स मूव फर्दर तो आप वैकेंसीज देख सकते हो इस पेज को आप पलट के भी देख सकते हो अच्छे से अगर हम यहां पर इसको रोटेट कर ले अच्छे से समझने के लिए कि क्या क्या वैकेंसीज है तो यहाँ पर हम समझेंगे देखेंगे वैकेंसीज की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है प्लेस जो है फरीदाबाद में जो है यहाँ पर टीओ की टोटल आठ वैकेंसीज यहाँ पर है सॉरी टीओ की पांच और एस की तीन है तो टोटल आठ वैकेंसीज है जिसमें से पांच वैकेंसी में आप देख सकते हो किस किस तरीके से डिवाइडेड यहां पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या क्या रहने वाली है वो आप देख सकते हो फरीदाबाद रह सकती है मुंबई रह सकती है कंडला रह सकती है मुंद्रा रह सकती है ये इंटरव्यू की जो प्लेस होगी वो ये रहेगी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो ये सारी हो सकती है ऐसे अगर आप समझे कि अगर आप चेन्नई में गए अपना इंटरव्यू देने के लिए तो चेन्नई में अगर आप गए तो आप टेन वैकेंसीज के लिए बेसिकली टीओ की ली जा रही है एंटोमोलॉजी के लिए तीन वैकेंसी है प्लांट पैथोलॉजी के लिए पांच बीट साइंस के लिए दो टोटल ग्यारह पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है इंक्लूडिंग दिस और आप यहाँ पर देख सकते हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर क्या क्या रहेगी थर्ड है यहाँ पर अगर आप कोलकाता में फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू देने गए तो कोलकाता में टीओ की वैकेंसी है टोटल छ एंटोमोलॉजी के लिए तीन प्लांट पैथोलॉजी के लिए दो बीथ साइंस के लिए वन तो टोटल यहाँ पर क्या हो गई सेवन हो गई तो इन टोटल छब्बीस वैकेंसीज है जिनमें से इक्कीस जो तो है वो यहाँ पर टीओ की है टेक्निकल ऑफिसर की अगर आपने एम किया है तो और अगर आपने डॉक्टर डिग्री है तो आप एस के लिए भी जा सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पर आ, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपको ले रहे हैं तो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए कुछ टाइम का तो एक अच्छी जॉब है गवर्नमेंट की जॉब है ऑफिस बात है इसको अगर हम हमारे सीवी में डालते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज रहती है आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं क्या क्या आपको डाल के लेकर जाना है चॉइस फॉर पोस्टिंग फुल नेम आप अपनी चॉइस डाल सकते हो कि आपको कहाँ जाना है आप अपने एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डाल सकते हो आपने नेट क्वालिफाई किया या नहीं किया है वो आप बता सकते हो अगर आपने किया है तो इनमें से कौन सा आपने क्वालिफाई किया ये आप बता सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो बता सकते हैं पब्लिकेशन है तो वो आप बता सकते हैं तो ये सारी चीजें आप बता के ले जा सकते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा गाइज अप्लाई तो खैर आपको करना नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जा सकते हो इंटरव्यू वाले दिन इसको फिल करके प्रिंट आउट कर लेना इसको फिल कर लेना और इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो जिस भी दिन इंटरव्यू इन्होंने मेंशन किया है उस जगह पे आप उस टाइम पे पहुंच जा सकते हो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस थैंक यू सो मच बाय टाइग